अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ए टू जेड फूड ब्लॉगर। आज मैं आप लोगों के लिए बगैर ओवन के ज़बरदस्त चिकन वेजिटेबल ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर हैं, नए अभी तक किया नहीं है चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, एक अच्छा सा प्यारा सा कॉमेंट कर दें। साथ साथ कॉमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 से 2.5 कप यहाँ पर मैदे के लेने हैं। तो यहाँ पर हमने 2.5 कप मैदे के लिए हैं, तो हमने 1 से ज़्यादा बनाने हैं। तो आप लोगों ने अगर 1 बनाना हो तो उसके लिए 1.5 कप भी काफ़ी है। तो यहाँ पर 1 चम्मच हमने यहाँ पर ईस्ट का ऐड किया है, 1 चम्मच हमने यहाँ पर चीनी का ऐड किया है, और साथ ही हमने 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम हमने नमक ऐड किया। तो यहाँ पर पानी जो है वो हम लेंगे गर्म, गर्म पानी के साथ हमने यहाँ पर गूंदना है। जो ईस्ट है खमीर, आप लोगों को इसे खमीर कहते हैं, तो खमीर आप लोगों को किसी भी बेकरी से या किसी भी बड़े स्टोर से आप लोगों को आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पर अब हमने गर्म पानी के साथ से जिस तरह नॉर्मल घर में आटा गूंथते हैं, इसी तरह से हमने गूंथ लेना है। चीज़ें हैं वो आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पर तकरीबन मैंने 2.5 कप के अंदर 1 चम्मच खमीर की ऐड की है, तो फुल भर के हमने ऐड करनी है। ये नहीं कि आप आधी पूरी पूरी सी चम्मच ऐड करें, आप लोगों ने फुल भर के 1 चम्मच ऐड करनी है। तो यहाँ पर इस स्टेप पर आकर थोड़ा सा गूंदने के बाद हमने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच घी के ऐड किए हैं। घी की जगह आप लोग ऑयल भी ले सकते हैं, ऑयल और अगर बटर है तो बटर भी ले सकते हैं, तो आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे, गर्म पानी ऐड करेंगे। एक ही दफ़ा में हमने सारा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ऐड जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हमने यहाँ पर गर्म पानी लेना है। तो यहाँ पर गूंद लेंगे, मिलते हैं गूंदने के बाद आटा जी। तो ये देखें, आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का हो गया। मज़ीद हम थोड़ी देर और गूंदेंगे, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि आप लोगों का सॉफ्ट गूंदा है या आप लोगों का थोड़ा दरदरा सा या कोई खड़ा खड़ा सा। तो आप लोगों ने देखे बिल्कुल जब इस तरह का हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट तक हमने गूंदा है, और फिर ये इस तरह का हो जाएगा। तो फिर हमने कवर करके तकरीबन इसे 3 से 4 घंटे के लिए, या जब तक ये ऊपर तक नहीं आ जाता, फूल नहीं जाता, उस वक्त तक डबल नहीं हो जाता, उस वक्त तक हमने छोड़ देना। दूसरी साइड पर हम पतीला लेंगे, उसके अंदर ये आप लोगों ने स्टैंड रखना। अगर आप लोगों के पास ये नहीं मौजूद, तो आप लोग किसी भी स्टील का या कोई भी किसी किस्म का लोहे का आप लोग बर्तन लेके अंदर रख सकते हैं, प्याली वगैरह। तो प्री हीट होने के लिए हमने यहाँ पर हल्की आँच पर रख दिया। तो दूसरी साइड पर ये देखें जो हमने था, तकरीबन इसे हमने 2 घंटे रखा। तो आप लोग अगर बहुत ज़्यादा एमरजेंसी में बनाना है, तो 1/2 घंटा तकरीबन 1 घंटे तक आप लोगों ने इसे छोड़ देना है गूंद के, ताकि जब तक ये डबल नहीं हो जाता उस वक्त तक आप लोगों ने नहीं बनाना। तो आप लोगों का जो पिज़्ज़ा बनाएंगे या आप लोग कोई ब्रेड बनाएंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। तो आप लोग समझिएगा कि वो आप लोगों का खमीर जो है वो ख़राब है। तो अब हम इसे मज़ीद थोड़ा सा गूंद लेंगे, तो यहाँ पर इसे सॉफ्ट करेंगे गूंद गूंद के। तो यहाँ पर मज़ीद हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक गूंदेंगे इसी तरह से, ताकि अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए जी। तो यहाँ पर अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। अब हमने यहाँ पर चिकन ऐड किया है। चिकन आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आप लोगों ने ब्रेड बनाना हो उसके हिसाब से। यहाँ पर हम 1 पाव के करीब हमने चिकन लिया है, बोनलेस लिया है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्राई करने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो यहाँ पर साथ साथ चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर ये देखें, इतनी बुनाई हो जाएगी तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो यहाँ पर हम तकरीबन 3 से 4 चम्मच चिली सॉस के ऐड करेंगे, और यहाँ पर सोया सॉस ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच। तो यहाँ पर साथ ही हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर दरदरा मिर्च हमने ऐड की है तकरीबन 1/2 चम्मच, और यहाँ पर साथ में दूसरे मसाले भी ऐड करेंगे। टेस्ट के लिए थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी कलर के लिए थोड़ी सी हमने यहाँ पर हल्दी ऐड की है। तो आप लोग ये सारे मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। तो यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच के करीब हमने नमक ऐड किया है, साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा और नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर साथ ही हमने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है, और यहाँ पर हसबे ज़रूरत हमने यहाँ पर सुरख मिर्च ऐड किया है। मसाले बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखने, तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं, आप लोगों के मसाले कम या ज़्यादा भी आप लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमने काली मिर्च ऐड किया है। तो एक बात याद रहे, तो यहाँ पर हमने सारे मसाले जो हैं हसबे ज़रूरत ऐड किए हैं। तो आप लोग खुद भी बहुत समझदार हैं, आप लोग सोच ही सकते हैं कि 1 पाव में अगर आप लोगों ने जितना चिकन ऐड या उसमें कितने मसाले आप लोगों के टेस्ट के हिसाब से सही रहेंगे। तो यहाँ पर जब इतना पक जाएगा, तो यहाँ पर
सूखे धनिये का पाउडर ऐड करेंगे हल्का सा, और यहाँ पर साथ ही हमने ये थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड किया ताकि बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही यम्मी सा और ज़बरदस्त सा टेस्ट आए। तो यहाँ पर तिक्का मसाला अगर आप लोगों के पास नहीं मौजूद तो आप लोग कौरमा मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पानी फ्राई, पानी खुश्क होने तक हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें कुछ इस तरह से पानी खुश्क हो गया है। मज़ीद थोड़ी देर और फ्राई करने के बाद हमने जो चिकन है वो अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब हमने यहाँ पर सब्जियों को अलग फ्राई करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने चिकन के अंदर ही वेजिटेबल ऐड करके क्यों नहीं फ्राई किया, तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद करा दो, तो इसके लिए हमें जो सब्जियाँ हैं वो थोड़ी खड़ी करनी चाहिए, तो चिकन को गलाने के लिए हमने थोड़ा पानी ऐड करना, तो इसलिए हमने सब्जियों को अलग फ्राई करेंगे। यहाँ पर प्याज ऐड किए थे, यहाँ पर बरी कटी हुई गाजर ली है हमने। अब साथ ही हम इसके अंदर शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे, इसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 15-20 सेकेंड के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना हमने इनको। जो चिकन है उसके बारीक बारीक हम रेशे बना लेंगे, तो वो भी आगे जाके हम ऐड करेंगे जी। तो अब साथ ही हम यहाँ पर इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ी थोड़ी शिमला मिर्च है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, थोड़ी कच्ची ना रहे। तो साथ ही हम इसके अंदर, मैंने आपको पहले भी बोला था कि 15-20 सेकेंड तक हम इनको फ्राई करेंगे। सारी सब्जियों को खड़ी खड़ी हमने रखनी है, तो यहाँ पर साथ ही हमने थोड़ी सी बंद गोभी ऐड कर ली। जो जो सब्ज़ियाँ आप लोगों के पास मौजूद हैं आप लोग वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास फ़र्ज़ करें कि इनमें बंद गोभी नहीं है और शिमला मिर्च और गाजर है तो आप लोग प्याज वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास गाजर नहीं है तो शिमला मिर्च और बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अलग हमने चिकन फ्राई किया था उसके ये देखें बारीक बारीक हमने रेशे कर लिए थे, तो उसे भी मिक्स कर दिया है। मसाले पहले ही हमारे चिकन के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए थोड़ा नमक की हमने थोड़ी आधी चम्मच ऐड की थी ताकि सब्ज़ियाँ ऐड करने के बाद मज़ीद नमक ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। हमने यहाँ पर पानी अब बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, तो यहाँ पर हम एक चम्मच इसके अंदर चिली सॉस और एक चम्मच सोया सॉस की ऐड करेंगे ताकि इसी के अंदर मज़ीद थोड़ी सी चिकन के अंदर सब्ज़ियाँ मिक्स होकर थोड़ा सा और पके। और यहाँ पर एक चम्मच से डेढ़ चम्मच के करीब हम चिली सॉस का ऐड कर दिया, सोया सॉस और चिली सॉस ऐड कर दिया। और यहाँ पर हम इन सब के अच्छे टेस्ट के लिए यहाँ पर चिली गार्लिक ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 3-4 चम्मच हम चिली गार्लिक के ऐड करेंगे। तो आप इसकी जगह कैचअप भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास ये मौजूद है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक मेन चीज़ ये करनी है, तो यहाँ पर फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देना है, और जो चिली सॉस और सोया सॉस ऐड करने के बाद जो हल्का हल्का सा पानी रह गया है उसे हमने ड्राई करना है। तो यहाँ पर ये देखिए चिकन जो है हमारा तैयार है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं ब्रेड बनाने की तरफ। ये देखिए दोबारा गूंढने के बाद जब हमने आटा रखा था तो दोबारा ये फूल गया है। तो अगर आप लोगों ने जितने ब्रेड बनाने हों उसके हिसाब से आप लोग आटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने बनाने हैं तकरीबन 3 ब्रेड, तो उसके हिसाब से मैं आटा लूँगी। ये देखिए मैं इस तरह से पेड़े बना लूँगी, जो दो तो मैं एक साइड पर बनाऊंगी ब्रेड, और जो एक रेसिपी के लिए मैं बनाऊंगी तो वो थोड़ा पेड़ा जो है वो मैं बड़ा रखूंगी, बाकी जो दो ब्रेड हैं तो वो मैं छोटे छोटे बनाऊंगी। तो यहाँ पर उसके लिए जो पेड़ा है वो मैं बड़ा रखूंगी जी। तो पेड़े जो हैं वो हमने बना लिए हैं। तो यहाँ पर ये देखें जो मैंने रेसिपी के लिए ब्रेड बनाना था उसके लिए जो पेड़ा है वो मैंने यहाँ पर बड़ा रखा है। तो अगर आप लोगों ने बड़े बड़े ब्रेड बनाने हैं तो जितना आटा था उसमें से सिर्फ दो ही ब्रेड बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पेड़े सिर्फ दो ही बनाए थे, तो यहाँ पर मैंने पहले 3 पेड़े किए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा दो बड़े बड़े बना लो, तो यहाँ पर मैंने उसके टोटल 2 पेड़े कर लिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लोगों ने रोटी बना कुछ इस तरह से रोटी बना लेनी है। तो अब हमने जो फिलिंग तैयार करके रखी हुई थी सब्ज़ी और चिकन की, तो वो हम इस तरह से ऐड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं पानी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। अब हम ये इस तरह से डाल देंगे, तो उसके ये हमारी 2 ब्रेड के लिए है, तो हमने यहाँ पर 2 ब्रेड के अंदर डालनी है। तो ये देखें इस तरह से डाल देंगे। अब हम यहाँ पर मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। अगर आप लोगों के पास चीज़ मौजूद है तो ऐड कर लें, अगर नहीं मौजूद तो कोई बात नहीं, ना ऐड करें, चिकन और वेजिटेबल ही काफ़ी हैं। तो यहाँ पर हमने चीज़ हमारे पास मौजूद थी तो हमने डाल दी, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ना डालें। तो यहाँ पर हमने चीज़ डाल दी। अब हमने चीज़ डालने के बाद इसके हमने जो है ब्रेड की जो फिश टाइप की शेप है वो बनानी है, उसके लिए हमें छुरी चाहिए। तो यहाँ पर हम छुरी लेंगे और छुरी की मदद से ये देखें कुछ इस तरह से ये करके इस तरह हम कट लगाएंगे।
अच्छी तरह से आप लोगों ने नीचे तक कट लगाने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने रोटी भी देख लेनी है, मैंने कितनी मोटी रखी है, आप लोग देख सकते हैं कितनी मोटी रोटी है। तो इस तरह से आप लोग कट लगाएंगे, बिल्कुल फिश स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्ती बनेगी। तो यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा हम खींच कर, ये देखें, इस तरह से खींच कर ये ऊपर मिलाएंगे इस तरह से। यहाँ पर पहले आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों की जो शेप है ऊपर से बहुत गंदी बनी है, तो आप लोग मेरी भी देखकर सोचेंगे कि बहुत ही अजीब सी गंदी सी बनी है, लेकिन असल जो शेप है वो आप लोगों की ब्रेड पकने के बाद पता चलेगी कि किस तरह से बनी है। तो यहाँ पर पहले आप लोगों को इस तरह ही लगेगा कि समझ नहीं लगेगी कि किस तरह किसके ऊपर से शेप बने। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर ये देखें इस तरह से रखते जाएंगे। अब हम सारे इसी तरह से रख देंगे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से। जी तो यहाँ पर ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, अभी आप लोगों को ये बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा लुक जो है वो इसकी बनने के बाद आएगी। तो यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा ट्रे ली थी, उसको पहले हमने ऑयल के साथ थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था, और अब हमने यहाँ पर जो प्याली के अंदर लिया है एक अंडा लिया है, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है टिश्यू की मदद से, या आप लोग किसी भी ब्रश की मदद से इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दें, जहाँ जहाँ ये लगेगा वहाँ से इतनी प्यारी सी ब्राउन ब्राउन सी शेप आएगी, आप लोग ब्राउन ब्राउन सा कलर आएगा, तो आप लोग देखिएगा कितना खूबसूरत सा कलर आएगा। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा कलर आएगा। अच्छी तरह से हमने यहाँ पर लगा देना है अंडा। और एक बात याद रखिए, अक्सर लोग पूछते हैं कि ये लगाने के बाद स्मेल आएगी, आप लोगों को किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी ये लगाने के बाद। अब हमने यहाँ पर सफ़ेद तिल, इसके ऊपर थोड़े से यहाँ पर हम सफ़ेद तिल लगाएंगे। सफ़ेद तिल लगाने का ये होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त सी खूबसूरती लुक आएगी। और यहाँ पर थोड़ी सी कलवंजी वो हमने इसके ऊपर डाल दी, नान के ऊपर भी अक्सर लगी होती है, तो उससे बहुत ही प्यारा सा नान लगता है, रोगनी नान। तो यहाँ पर ये देखिए कलवंजी और तिल हमने डाल दिए। अब हम इसे बेक होने के लिए रखेंगे पतीले में। जी तो पतीले को हमने पहले ही प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था, ये हमने हल्की आँच पर प्री हीट होने के लिए पहले ही रखा हुआ था। तो यहाँ पर अब हमने जो ट्रे है इसके ऊपर रख दी है और ऊपर से कवर कर देंगे। अब हमने यहाँ पर जो फ्लेम अब है वो मीडियम कर देनी है, मीडियम से थोड़ी सी कम। अब हमने दरमियान दरमियान में इसे तकरीबन तैयार होने में 30 से 35 या 40 मिनट भी लग सकते हैं। दरमियान दरमियान से हम चेक भी करते रहेंगे, अगर हमारा जल्दी भी बन सकता है, थोड़ा लेट भी बन सकता है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। हम चेक करते रहेंगे, जिस टाइप पर हमें लगेगा कि हमारा बनकर तैयार है उस टाइप पर हम फ्लेम बंद कर। जी तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब लुक देखकर ही आप लोगों का अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना ज़बरदस्त हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हमें लगे हैं 40 मिनट, तो 40 मिनट के अंदर ज़बरदस्त सा बनकर तैयार है। अब एहतियात से आप लोगों ने इसके अंदर से निकालना है ताकि हाथ वगैरह ना जले। तो यहाँ पर आप लोग माशाल्लाह से देख सकते हैं अच्छी तरह से पक कर तैयार है और कितनी प्यारी लुक आई है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।